हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द गर्गरिश ब्रदर्स। कैसे हैं आप सब? एकदम मजे में? ऐसे ही रहिए हमेशा मजे में। मैं भी मजे में हूं, बट कुछ देर पहले वो थोड़ा सा मजा डाउन हो गया मेरा, बट फिर भी मैं ठीक हूं। मतलब एक बारी के लिए दिमाग खराब हुआ था बहुत ज्यादा कि भाई गुस्सा आ गया था, बट उसके बाद फिर मैंने अपने आप को काम किया। मैं कोई बात नहीं, ये चीजें होती रहती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। अब क्या है वो चीज अभी दिखाता हूँ, वो है ये दिख रहा है, ये सारे के अंदर स्क्रैच मार गया आज बंदा यहाँ। तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी मेरी, वो मेरे साथ खड़ा था बंदा, तो जब बैक कर रहा जैसे ही उसने टायर घुमाए हुए थे, रिवर्स करते हुए उसने तेज घुमाई और गाड़ी से घसीटते हुए चला गया। दिमाग की ना दही हो गई। मेरे सामने सामने में गाड़ी के बाहर खड़ा था, पीछे डिक्की के वहाँ सामने सामने बंदे ने ऐसे किया। अब होगी उससे बात, अब वो कह रहा है ठीक करवा देगा वो ठीक। चलो यहाँ पे ये तो सही है चीज़, बंदे भागते नहीं है, तो नहीं करवाएगा तो पुलिस कंप्लेंट हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी डिटेल्स ले ली है मैंने भाई की। बढ़िया बंदा था, इतना कुछ वैसा नहीं, उसकी भी जेन्युइन सा था इंडिया का ही अपना, तो डिटेल्स सब ले ली है मैंने। इसको जल्दी से सही कराएंगे अपनी तैयारी को, फिर देखते हैं क्या बनता है। अब घर आए हैं, देखें भाई लोग सारे सारे घर वाले क्या कर रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ। हाँ जी, के हाल चाल, कैसे है सब लोग, क्या चल रहा? बस बता रहा था मैं, गाड़ी गुड़ी लगी। हाँ यार, फ्री का पंगा। वासु से तो मैं फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ जाना है कैसे जाना, बट अच्छा नहीं लगता। दिखाई स्क्रैच करो? हाँ दिखाया मैंने, तो अभी फोटो पे देखी, अभी रियल में देखूंगा कैसे हुआ है क्या हुआ है क्या नहीं। बढ़िया लगता है नवी नवी गाड़ी के ऊपर एकदम से आके ऐसे हो जाना, जब मेरी गली के साथ भी हुआ था ना ऐसे, ओहो दिल टूट गया था। चलो कोई नहीं, होता रहता है, वही कहना होता रहता है चीज। मैं पहले दिमाग खराब हुआ था, बट अब मेरा दिमाग सेट हो गया। इधर आनी, मैं चलो ये छोटी छोटी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ, हो जाएगा ठीक हो जाएगा। बाकी अपना मेरे को भूख लग रही है, बहुत तेज कुछ खाऊंगा आज, चलेंगे ठीक है। हाँ मैं भी चलता हूँ। कितनी देर का देगा आपका काम? मेरा काम तो हो गया, मैं तो कहीं पर रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ यार, वो गैस के लिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, धीरे धीरे बोल रहे हैं। चलो अभी ये सारी करवा के चीजें बाहर चलते हैं। पापा से आज का काम करवा लिया है, मस्त रील का। छोड़ना भाई, दौड़ दो अंदर, हवा की आवाज सुन रहे हो, फटफट फटफट करते हुए। पापा जी से आज का काम हो गया रील का, गाड़ी के अंदर बैठ के मस्त बनाई है उन्हें, आप लोग भी देखना। ला कुछ बटन बुटन दाब दिया लगता है मैंने, ना चल रहा है, चल रहा पता चला वीडियो ही बंद होगी भाई जी। और भाई साहब काम से आए, मेरा काम हो चुका है, कहता भैया लग रही भूख, कहीं पे चलते हैं। सवेरे की दो टोस्ट खाए हुए कल से, तो मैं थोड़ा काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, पर टोपा फिर भी पहन के जाऊंगा क्योंकि बाहर है, हवा चल रही फुल तेजम तेज। मैं कह रहा भाई जी तूफान की तैयारी होगी, ऊपर देखो आप काली घटा आ गई है पूरी। ले देखो बादल ऐसे पड़ते जैसे रुई सी बिछी हुई हो एकदम। आज भाई जी जनता बादल मैंने ना लिटरली 20-25 फ्लोर के ऊपर देखे, इतनी नीचे थे ना बादल, एक ही बादल ऐसे आया बड़ा सा बादल, हाय 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 ले जा तू मुझे खुले आसमान। हाँ खुले आसमान में, और मेरे मुंह से ना प्याज की इतनी बदबू आ रही है, मेरे को ब्रश करके आना चाहिए था। तो उसमें मैंने लंच में खा लिया प्याज भर के, और मेरे को गंदा गंदा फील हो रहा है। चाहे कुरला भी कर लो ना खाना खाने के बाद, ये वो स्मेल नहीं जाती यार। क्या टूना कर रखा किसी ने, ब्रेड गिरी हुई थी, लग रहा जैसे खोपे डाल रखे सिंदूर लगाए हुए हैं पूरे मिर्ची के साथ। जा कर रहे हैं हम, मैं वही सोच रहा हूँ, मेरा ना मन कर रहा है बर्गर खाने का, स्वाद सा कुछ बर्गर कहीं यहाँ कहाँ मिल सकता है। स्वाद बर्गर, फैट बास्टर्ड बर्गर है यहाँ पे, वो क्या चीज होती है? वो एक रेस्टोरेंट है, मैंने सुना है बहुत स्वाद है उनका। अच्छा फैट बर्गर बरीटो है वो, फैट बास्टर्ड बरीटो, बास्टर्ड बर्गर भी है? नहीं नहीं गलत हो गया तेरे साथ, फैट बर्गर है वो सिर्फ, फिर पता नहीं ओबेस की या इसकी पता नहीं क्या, कहाँ बटन दब भी जा रहा। चलो वहीं चलते हैं, हैं कहाँ, मैं कहा जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाके मिलते हैं। चलो ठीक है जी, ओके जी। बेचारा तो डल नहीं रहा स्क्रीन के अंदर, इसीलिए हो रहा।
ये बेचारा अभी भी गम में घूम रहा है, देखो फिर गाड़ी को देखने चला गया, इतना बड़ा स्क्रैच पड़ गया। देखो मुझे आगे एक बार देखो ध्यान से, इतना इतना ध्यान नहीं जा रहा। हाँ ऐसे तो नहीं दिख रहा ये, ऐसे तो ऐसे लगता है जैसे रिफ्लेक्शन ही हो, पर जो वहाँ वो ये है ना ये वाला निशान, ये बड़ा गंदा सा पड़ा है। चलो बर्गर खाने आ गए, बर्गर खाने द बर्गर प्रीस्ट पे। इनका मैंने बर्गर बर्गर मैंने इनका खाया था जी बर्गर पहले, ज्योति को भी मैं लेकर गया था, उसको बड़ा पसंद आया था, तो मुझे लगता है वासु को भी पसंद आया। बियॉन्ड मीट ही है इनकी पैटी। हाँ बियॉन्ड वाली ही है, इनकी अपनी सी है कोई। चलो चल के ऑर्डर करते हैं और आपको दिखाते हैं सिस्टम। इनके फ्राइज खाइयो, फ्राइज ले भाई खा के बता। स्वादिष्ट है, नमकीन नमकीन इनका अलग फ्लेवर। स्वादिष्ट बर्गर खा फटाफट से, देख रहे हा 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 वो बड़ा बर्गर जबरदस्त बर्गर है, इसको खिला के देखते हैं क्या बनता है। भाई चक 35 पहली बार खा रहा है वाला जीरकपुर का ना। हाँ ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ बर्गर मिलता, और मैंने वहाँ का बर्गर ना खाया, इतने पाड़े हैं मैंने इंडिया में। खा 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 ये वाला खा, वो क्या खुशबू है। अब खा खा लाइक इट लव इट फायदे, एक नंबर का बर्गर है इनका। ले आओ ले फ्राइयां खिलाओ हमको। वाह क्या सॉफ्ट है। सॉफ्ट, इस सॉफ्टनेस का मज़ा मैं भी लेता हूँ। चलो ये निकलो टाइम से, सब दौड़ जाओ, आज तुम सबने भी बर्गर खाने हैं। ठीक है ना, जो हम कर रहे होते हैं ना, हम तो चाहते हैं कि आप लोग भी वो सब करो और हमको कमेंट्स में बताओ। इस ब्लॉग के बाद दौड़ना अभी नहीं। तो बर्गर के बाद, फ्राइज के बाद, कोल्ड ड्रिंक के बाद, ये देखो भाई जी काफ़ी पी रहे हैं, काफ़ी छोकरी देख रहे हो ये वाली। हाँ मुझे तो मन नहीं था कुछ भी पीने वीने का, कॉफ़ी वूफी, तो मैंने भैया को मना ही कर दिया। मैं मेरी तो कराना ना, पापा अभी पापा के लिए लेनी है, पापा रास्ते में। हाँ लेने ली पापा के लिए, क्योंकि हमारा घर यहाँ से 15-20 मिनट दूर, स्पेशली बर्गर के लिए हम 18 किलोमीटर दूर आए हैं घर से कि बर्गर खाना है। अरे मेरी प्यारी गंदी हो रही, स्क्रैच लग के। खोल दे भाई, खोल दिया भाई, क्यों दुखी कर रहे इस बंदे ने, लग दुखी करा। ओ भाई तो जी पापा जी को तो वहीं से घर के पास पहुंच के, वहीं से टिम हॉर्टन्स जो घर के पास वाला स्टारबक्स है ना, वहां से लेंगे पिताश्री के लिए कॉफी, क्योंकि फिर उनको ताजी ताजी मिलेगी, वरना 20 मिनट के अंदर तो काम हो लेगा उसका। और 20 मिनट में मैं पी लूंगा तब तक। तो अपन मिलते हैं घर चल के। भाई जी एक बात सुनो। हाँ सुनो। हम जा रहे थे बाहर, पापा ने क्या बोला मेरे लिए, क्या लेके आना? कॉफी। हम कॉफी ले आए, अब ये जो बैठे हैं माता जी, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं मेरे लिए कुछ ले गया। तो मेरे को पता है क्या? और घर आए नहीं हम, ये तो क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए नहीं खाने का? बताओ ये कोई बात बनी, बंदा बताए कि भाई ये ले आओ मेरे लिए, कुछ ले आओ खाने का, क्यों नहीं लाएंगे, दौड़ दौड़ के लाएंगे। अभी अंक के दिखा रहे थे एकदम कैमरा आते ही परे जा तू हंस के एकदम कर दिया। फिर क्या करूं, कैमरा में गाइस मार देता हूं। ओए मारो एक चिप्स दे के इसके मुंह, चिप्स दे के मारो, आ करता हूं। पता बकवास है ये, ये पापा चक के लाए हैं ना। पापा ऐसे चिप्स लाते हैं जो सिर्फ उन्हें ही पसंद है और किसी को पसंद ना आए। बिस्कुट भी, हां बिस्किट भी ऐसे होते हैं उनके जो सिर्फ वही खाते हैं और कोई नहीं खाता। बस क्या ही बोलूं, टेस्ट ही अलग है। टेस्ट की बात है अपने अपने, कोई नहीं अम्मा चलो आपको ले चलेंगे कुछ खिला लाएं। ले आओ ले जाओ, ये बात बनी, ये तो लेके आते हैं कुछ, वो तो अब चल लेंगे उसमें। क्या अब चल लेंगे इसमें, क्या है? अब तो मैं रोटी खा लूंगी बस, बता। चलो रोटी खा लो, क्या कर सकते हैं भाई, हमने तो पूछ लिया, ये आर मिसिंग आउट और क्या। आप ही इसको देख लो, ये हमारी YouTube की वीडियो को जो मैंने शॉर्ट को भी अभी अपलोड किया है उसकी एडिटिंग, मतलब एडिटिंग तो मैंने करी है सारी की सारी, ठीक है ना, सारी एडिटिंग मैंने करी है, सारा कुछ मैंने लगाया, ये उसके अंदर बस टैग्स डाल रहा है अच्छे अच्छे, देखो कॉपी पेस्ट करके, वो भी पिछले वाले से, तो शॉर्ट्स पे इसने कोई काम नहीं किया है। बट हेलो ये जो काम दिख रहा है इधर आना जरा, ये जो पीछे चल रहा है, हाँ ये व्लॉग वाला काम ये एडिटिंग इस टाइम कर रहा है, फॉर विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, ठीक है ना। पहले बंदे की लस्सी कर दो, उसके बाद आई एम प्राउड ऑफ हिम कर दो, ये लस्सी करने में तो जरूरी है ना, जो काम मैंने किया वो मैंने किया, ठीक है। पर बेचारा आज बहुत दुखी था, गाड़ी लग गई, बट एट दी एंड फाइनली इसको हम बर्गर शर्गर खिला के लाए, ये काफ़ी खुश हुआ उसके बाद में। और अभी जिस बंदे से थोड़ा सा डैमेज हुआ था उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, सो इट्स अ गुड न्यूज़ एट दी एंड ऑफ द डे, जो भी हुआ जैसे भी हुआ अच्छा है। भाई उसकी भी गाड़ी लगी, हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो एट दी एंड ऑफ द डे उसका खर्चा तो होएगा ही ना, फिर
क्योंकि उससे लगी है, उसने हमारी गाड़ी में मारी है तो उसका खर्चा तो होएगा ही, उसको हमारी गाड़ी का देना ही पड़ेगा। बट फिर भी हमने रीजनेबल एक उसके साथ कर दिया कि ताकि उसके ऊपर भी इतना ज्यादा ना पड़े। मेरा खुद का मन, एक बार को तो मेरा मन ऐसा आ गया था, आपको मैं बोल रहा था कि चल छोड़ यार अंबर भैया। यार बात ये छोड़ वाली नहीं होती, बात क्या होती है यार, तेरी गाड़ी तो छिल गई ना। नहीं वो है बस, और अब तेरी गाड़ी जाएगी वर्कशॉप के अंदर, 2 दिन लगेंगे, तेरी गाड़ी का नुकसान, तेरे काम का नुकसान होगा, तो कोई फायदा नहीं है उस बात का। तो जो रीजनेबल अमाउंट थी वी डिसाइडेड ऑन दैट, और देखो यार भगवान उसका भला करे और हमारा भी करे, पहले हमारा भी, पहले हमारा करे फिर सबका करे, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा, दिन हमारा अच्छे नोट पे खत्म हो रहा है, और आपर का इंडिया के अंदर दिन अच्छे नोट पे शुरू हो, कैसे हमारी वीडियोस और रील्स को और शॉर्ट्स को देखते देखते, और तो, उसके बाद उनको शेयर सब्सक्राइब तो, और सब कुछ करते करते। हाँ, उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाना, चैनल पे जाके सारी घंटियां वंटियां सब्सक्राइबर हर चीज के बटन दबा देना, और हमको प्यार देते रहना हमेशा की तरह। और जो जो ऑलरेडी हमको सब्सक्राइब कर रहा वो शेयर करें हमारे वीडियो को, कमेंट करें, लाइक करें, एल्गोरिदम में लाओ यार यूट्यूब की, यूट्यूब को भी पता चलना चाहिए कितना दम है, यूट्यूब को पता चलना चाहिए, तब गर्गरिश ब्रदर्स आ गए हैं यूट्यूब पर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो मिलते हैं आपसे कल।